हेलो एवरीवन, आई एम भावना। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीयू के लॉ फैकल्टी के 3 सेंटर्स के बारे में। जनरली यहाँ पे अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, आपको जब आप अप्लाई करोगे तो आपको इसमें प्रेफरेंस पूछेगा। हर साल की तरह प्रेफरेंस में आपको अपनी जो भी आपकी CLC LC1 या 2 जो भी आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस आपको वो जाननी होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे तीनों सेंटर्स जो हैं, कैंपस सेंटर और LC सेंटर्स दोनों पास में है, दोनों के बीच में आर्ट्स फैकल्टी है। तो CLC है, उसके बाद LC 1 और 2 की एक ही बिल्डिंग है, मॉर्निंग और इवनिंग की शिफ्ट, और वो शिफ्ट जो है एक ही बिल्डिंग में चलती है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो कैंपस ये स्ट्रक्चर्स जो है जनरली आप नेट पे भी देख सकते हैं। तो लॉ कैंपस सेंटर जो है उसके स्ट्रक्चर वो पुरानी बिल्डिंग है, और जो आपकी LC 1 और 2 है उनकी न्यू बिल्डिंग है। और इसके साथ ही यहाँ पे आपको सेकेंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है टाइमिंग्स की। तो कैंपस सेंटर की जो टाइमिंग है अराउंड 8:30 से शुरू होती है आपकी, इसकी 3:30-4:30 अराउंड टाइम टेबल में। अभी थोड़े से चेंजेस हुए हैं क्योंकि जो है वो जब से ये दोबारा रीओपन हुए हैं कॉलेज, तो यहाँ पे टाइम टेबल में थोड़ा रिड्यूस किया गया है लेक्चर को। तो बट स्टिल यहाँ पे वो थोड़ा कहीं ना कहीं इवनिंग तक है। अब उसके साथ यहाँ पे आपका LC 2 है। अगर हम LC 2 की बात करें तो ये सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर में 2 बजे तक है। अब इसके बाद अगर हम LC 1 की बात करें तो LC 1 की जो टाइमिंग है वो 2 बजे से 7 बजे तक है। अब इसके साथ ही यहाँ पे आपको सबसे बस LC 1 में आपको एक अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी कि आप मॉर्निंग में इंटर्नशिप कर सकते हो और उसके बाद आप आके कॉलेज में क्लासेस ले सकते हो। ये यहाँ पे LC 1 में सिर्फ ये ऐसे बेनिफिट है। अब अगर मैं बात करूँ कि यार LC 2 और CLC में रेगुलर टाइम पे आप क्लास नहीं ले सकते, तो ऐसा नहीं है, आप वहाँ से भी आप इंटर्नशिप कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि रेगुलर, वैसे तो रेगुलरली चलती है, बट जैसे कि वेकेशन है तो आप इस टाइम पे इंटर्नशिप कर सकते हो। इंटर्नशिप में ऐसा नहीं है कि आप इन दोनों कॉलेजेस में आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, सफिशियंट टाइम मिल जाएगा। अब इसके साथ अटेंडेंस का सीन तीनों कॉलेजेस में सेम है। आप ऐसा नहीं है कि आप अगर LC के हो तो आप CLC में जाके क्लासेस नहीं ले सकते, आप तीनों सेंटर में कहीं पे भी जाके क्लासेस ले सकते हो। बट यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि आपको अटेंडेंस सिर्फ आपकी क्लास में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। मतलब कि अगर आपको अटेंडेंस चाहिए तो यू मस्ट अटेंड योर क्लास, अदरवाइज यू कैन अटेंड एनी क्लास फ्रॉम ईच ऑफ द सेंटर, किसी भी सेंटर की आप कोई भी क्लास अटेंड कर सकते हो। अब इसके साथ यहाँ पे जो है कि इनमें टाइमिंग के अलावा वैसे कोई फर्क नहीं है, और सिलेबस भी सबका सेम है, पढ़ाई भी सबकी सेम है, एग्जाम डेट भी सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ लोकेशन अलग है। लोकेशन के साथ साथ टाइमिंग्स अलग हैं, और कुछ यहाँ पे इनमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसके साथ यहाँ पे लाइब्रेरी का थोड़ा सीन अलग है, लाइब्रेरी तीनों की अलग है। CLC की लाइब्रेरी का मुझे आइडिया है, और LC 1 और LC 2 की लाइब्रेरी का आइडिया नहीं है। तो वहाँ पे भी आप मॉर्निंग से लेकर सुबह 9 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक पढ़ सकते हो। एग्ज़ाम टाइम में जो चेंजेस होते हैं, और संडे के लिए भी खुलती है लाइब्रेरी, वो अलग अलग मतलब होता है, सीन होता है यहाँ पे। बुक्स की आपको कैंपस सेंटर में बुक्स की आपको कोई कमी नहीं होगी। अगर आप बुक्स नहीं भी परचेज करते हैं तो आप लाइब्रेरी से बुक इशू करा के वहाँ से लाइब्रेरी में भी पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी के बाहर भी पढ़ सकते हैं। ये फैसिलिटी LC 1 और LC 2 में भी डेफिनेटली होगी ही। तो इसके साथ यहाँ पे इसके अलावा जो सोसाइटीज़ होती हैं, जैसे मूक कोर्स सोसाइटी, लीगल एड सोसाइटी, तो यहाँ पे जो है इस तरह की जितनी भी सोसाइटीज़ होती हैं, डिबेट डिस्कशन सोसाइटी, ये तीनों सेंटर्स में होती हैं। ऐसे नहीं है कि आपको एक सेंटर में मिलेगी। अब यहाँ पे लेकिन जैसे कि मूक कोर्ट, इन सभी सोसाइटीज़ में जाने के लिए आपको काइंड ऑफ एक जैसे ऑडिशन, या तो मूट कोर्ट में पहले आपको कॉमन मूट इंडक्शन या तो फ्रेशर्स मूट इंडक्शन में पार्टिसिपेट करना होगा, उसमें आपका सिलेक्शन होगा। इसी तरह आपको लीगल एड सोसाइटी या हर सोसाइटी में आपको सिलेक्ट किया जाएगा, तभी आप उसके मेंबर्स बन पाओगे। तो ये सोसाइटीज का सीन भी तीनों कॉलेजेस में सेम है। तो बस ऐसा होता है कि किसी में पहले किसी का सिलेक्शन हो रहा है, किसी में बाद में किसी का सिलेक्शन हो रहा है, तो ऐसा है। तो आप अपनी प्रेफरेंस भरिए, आप टाइमिंग पे बिल्कुल ज़्यादा मत जाइए। अगर आप वर्किंग हैं तो ही आप यहाँ पे LC, अगर आपके वन में इवनिंग कॉलेज लेने का चल रहा हो और आप LC 1 लेना चाहते हो, तो अगर आप वर्किंग हो तो ही लें, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली बाउंड इससे नहीं होता। क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपकी क्लासेस पूरी 8 से 2 ही चलेंगे, CLC में 8:30 से इवनिंग तक ही चलेंगी। क्लासेस टाइम टेबल पर डिपेंड होती हैं, टाइम टेबल आगे पीछे का भी होता है, हर वक्त सेम नहीं होता है, तो इजीली आप उसे मैनेज कर सकते हो। तो टाइम टेबल पर इतना ज़्यादा आपको स्ट्रिक्टली नहीं जाना है कि मैं LC 1, LC 2 और CLC से नहीं लूँगा मॉर्निंग का है, या शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी रहेगा।
तो वो इतना मैनेज हो जाता है, आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज तीनों सेंटर्स सेम है, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। इसके रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी हो डू कमेंट बिलो। थैंक यू।